नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से यूपी में दूध का कारोबार तेजी से बढ़ा है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कई बड़ी कंपनियां अब यूपी में अपनी डेयरी स्थापित करने में रुचि ले रही हैं। इससे प्रदेश को काफी फायदा भी मिल रहा है। चलिए आपको बता दें कैसे यूपी ने देश में सभी राज्यों को पीछे छोड़कर टॉप पर जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश ने देश में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यूपी में दूध उत्पादन 2016 से 17 में 277.697 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2019 से 20 में बढ़कर 318.630 लाख मीट्रिक टन हो गया। राज्य में पिछले 4 साल में 1242.37 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया है। दूध के उत्पादन बढ़ने से यूपी में रोजगार को भी बल मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल में अमूल समेत 6 बड़ी कंपनियों ने 172 करोड़ रुपए डेयरी प्रोजेक्ट में निवेश किया है। वहीं बाकी 7 कंपनियां भी यहां निवेश करने को लेकर आतुर हैं। इसके अलावा 15 निवेशकों ने अपने यूनिट स्थापित करने की पेशकश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे यूपी को कितना फायदा हुआ है। तो आपको बता दें कि डेयरी क्षेत्र में हो रहे निवेश से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लोग गाय भैंस का पालन कर दूध का कारोबार करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत के कुल दूध उत्पादन का 17% हिस्सा अपने यहाँ से देश को भेजता है। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी तैयार दिख रही है। राज्य सरकार की ओर से पशुओं को संरक्षण और ग्रीन फील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यूपी के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद जिलों में ग्रीन फील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही है। वहीं झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज में 4 पुरानी डेयरियों को अपग्रेड किया जा रहा है। योगी सरकार डेयरी फील्ड के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रही है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में गाय संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 272 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस कदम से बेसहारा और लवारिस गायों के संरक्षण और रखरखाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अब रैंक के हिसाब से देखें तो पहले नंबर 1 पर यूपी, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि तीसरे नंबर पर दूध उत्पादन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है। गौवंश पालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोकुल पुरस्कार और देशी गोवंश की गाय से सर्वाधिक दूध उत्पादन को नंद बाबा पुरस्कार देने शुरू किया है। गांव में ग्रामीण दूध कारोबार से जुड़े इसके लिए सरकार प्रदेश में पंजीकृत 12 लाख से अधिक दूध किसानों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। सरकार की इस योजना को ग्रामीण हाथों हाथ ले रहे हैं, जिससे कि दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। तो देखा आपने योगी सरकार की गौवंश योजनाओं से और डेयरी कंपनियों के निवेश से आज यूपी ने सारे राज्यों को पीछे छोड़कर अपनी जगह टॉप पे बना ली है। इतना ही नहीं बल्कि इससे प्रदेश में रोजगार भी बढ़ गया है। ये योगी सरकार के लगातार प्रयासों का ही फल है जो आज पूरा हो पाया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।